हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू आवर स्टूडेंट। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यूनिट 11 इंडियन म्यूजिक। उसमें एक्टिविटी है, एक छोटी सी स्टोरी है, लता मंगेशकर अ लिविंग लेजेंड, उसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी है, फ्यू लाइंस है, तो मैं आज आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, प्लीज स्टूडेंट आप भी चैप्टर रीडिंग करना। ओके, लता मंगेशकर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिंगर्स ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट फेमस सिंगर है लता जी, लता मंगेशकर जी। सी हैज संग मोर देन 30,000 सॉन्ग्स इन 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस। उन्होंने 30,000 सॉन्ग से भी ज्यादा सॉन्ग गाए हैं और 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाए हैं। 20 टाइप की लैंग्वेजेस में उन्होंने सॉन्ग गाए हैं। Now Lata Mangeshkar was born on 28 September 1929 in Indore. Uska janam kab hua tha? 28 September 1929. Kahan pe hua tha? Indore. And her father Dinanath Mangeshkar was also a famous singer. Uske papa Dinanath wo bhi famous singer the. Singer yani gana gana. Now लता मंगेशकर लर्न्ड म्यूजिक एट ए वेरी यंग एज। छोटी सी उम्र में, यंग एज में लता मंगेशकर ने म्यूजिक सीखा। लता मंगेशकर वॉज वेरी यंग व्हेन हर फादर पास अवे। लता मंगेशकर छोटे थे, यंग थे, तभी उसके पापा पास अवे यानी गुजर गए थे। टू टेक केयर ऑफ हर फैमिली लता एक्ट इन 8 फिल्म्स। लता जी जब छोटे थे तब उसके पापा गुजर गए थे, तब उसकी फैमिली की देखभाल के लिए लता मंगेशकर जी ने 8 फिल्म्स में एक्ट किया था, एक्ट यानी काम किया था। नाउ हर फर्स्ट हिंदी प्लेबैक वाज फॉर द फिल्म आपकी सेवा में। उसने फर्स्ट हिंदी फिल्म में प्लेबैक यानी गाना गाया था, वो था आपकी सेवा में, जो 1947 में रिलीज हुई थी। In 1949, she had 4 major hit films, Barshat, Andaaz, Dulari and Mahal. और 1949 में उनकी 4 फिल्में हिट हो गई थी, जैसे कि बरसात, अंदाज, दुलारी एंड महल। Now she sang songs with famous singers like मोहम्मद रफ़ी जी, किशोर कुमार जी, मुकेश जी एंड सोनू निगम। उन्होंने फेमस सिंगर्स जैसे कि मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब और मुकेश एंड सोनू निगम के साथ काम किया, उनके साथ सॉन्ग किया था, सिंगिंग किया था। नाउ हर सक्सेस एंड डिटर्मिनेशन मेड हर वन ऑफ द मोस्ट फेमस वुमेन इन द इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री में सबसे फेमस सिंगर और डिटर्मिनेशन, उनके जो काम के लिए उनको जो सक्सेस मिला था सिंगिंग में, उसके लिए फेमस है कौन? लता जी। नाउ सी इज द मेलोडी क्वीन ऑफ द इंडियन म्यूजिक वर्ल्ड। वो मेलोडी क्वीन तरीके उसको जाना भी जाता है हमारे इंडियन म्यूजिक में। ओके, नाउ लता मंगेशकर हैज रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स। लता मंगेशकर जी को बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, एंड द हाईएस्ट ऑनर एमंग दिस अवार्ड वॉज भारत रत्न। सबसे हाईएस्ट ऑनर जो थे वो है भारत रत्न अवार्ड। उनको बहुत सारे अवार्ड मिले थे, लेकिन सबसे जो हॉनरेबल अवार्ड है वो था भारत रत्न। आफ्टर रिसीविंग ऑल दीज अवार्ड, सी स्टॉप्ड एक्सेप्टिंग अवार्ड टू प्रमोट न्यू टैलेंट। इतने सारे अवार्ड मिलने के बाद उन्होंने स्टॉप कर दिया अवार्ड लेना, एक्सेप्ट करना, बिकॉज न्यू जो टैलेंटर होते हैं ना, न्यू सिंगर्स, न्यू कमर्स, उनको यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो एनकरेज करने या प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि उनको भी चांस देने के लिए उन्होंने अवार्ड लेना बंद कर दिया, और न्यू कमर्स, न्यू जो प्रमोट होते हैं ना टैलेंट सिंगर्स, उनको चांस देने के लिए, यानी कि उनको एनकरेज करने के लिए, उनको उसके लिए उन्होंने अवार्ड एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था। नाउ सी कंटिन्यूज टू सिंग इवन टूडे एंड परफॉर्म लाइव ऑल्सो। आज भी लता मंगेशकर जी लाइव परफॉर्मेंस भी करती है स्टेज पे, कोई ओकेशन हो, फेस्टिवल हो,
एंड सिंगिंग भी करती है. लता मंगेशकर इज ट्रूली अ लिविंग लेजेंड ऑफ इंडियन म्यूजिक. लता मंगेशकर ट्रूली लिविंग एजेंड है. एक बहुत बड़ी दिग्गज है और हमारा हिंदी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें वो मेलोडी क्वीन कहलाती है. ओके, थैंक यू.